गाइस आजकल ना ब्लिंकिट वालों ने ये नया बैग निकाला है। देखो छोटा सा बैग है ये, सही है। देखो गाइस अभी क्या है ना, मैं यहाँ से इसको डिलीवर मारूंगा ना तो मेरे पे एक ऑर्डर बजेगा तुरंत। ये देखो दिख रहा नीचे न्यू ऑर्डर, इस पर क्लिक करके ये बज गया देखो। तो है गाइस गुड मॉर्निंग, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज है दो फरवरी बोल रहा मैं, सॉरी ये नए साल का, ये था जनवरी ही निकल रहा है अभी भी। तो गाइस आज है 2 फरवरी और बाकी मैं निकल रहा हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। भाई बर्फ़ पड़ चुकी है अपने पहाड़ों पे, मैं मन बहुत है जाने का पर क्या करें, थोड़ी सी मजबूरी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं तेल टूल मैंने डलाया नहीं है, मैं जा रहा हूँ सीधा स्टोर पे, वहीं जाएंगे, वहीं स्कैन स्कैन मारेंगे आईडी, देखते हैं कितने का काम करते हैं आज हम। बाकी मन घूमने का बहुत है, क्या करें कुछ नहीं कर सकते, काम करो बस चुपचाप, काम 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 काम। आजकल ना मेरी मोहिनी का माइलेज थोड़ा सा घट गया है, जहाँ 45 का देती थी ना अभी ये 40 का माइलेज दे रही है बस। मतलब 80 किलोमीटर पे 200 रुपये का तेल ख़त्म हो जा रहा है, पहले 90-95 पे चली जाती थी 200 रुपये का तेल, पर अब भाई 80 पे ही ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा माइलेज में इसका वो आया है गिराव, क्योंकि इसकी सर्विस होनी है, अब इसकी सर्विस करानी है यार, अगले हफ्ते इसकी सर्विस कराऊंगा भयंकर, क्योंकि भाई काम इससे करना है तो फिर माइलेज गिर जाएगा, फिर क्या फ़ायदा है ना। ओहो तो लो जी गाइस पहुंच चुके हैं भाई अपने ब्लिंकिट के ऑफिस पे, और लग तो रहा है कि भाई लड़के थोड़े से कम से लग रहे हैं मेरे को, हाँ कद्दू कम है, अंदर तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलो स्कैन मारते हैं फटाफट आईडी को। मित्र आदि बिल्लो, तो भाई ठीक 10 बजे पहुंचाऊँ मैं यहाँ पे, 10:10 हो रहे हैं। 2 तारीख है आज, 9 से 11, 7 बजे तक मैंने बुक करी अभी। हाँ भाई लॉन्डो क्या हाल चाल, विशाल नारायण जी आ गए हैं और यहाँ पे इनका डांस देखा हमने परसों। चलो भाई स्कैन मार देते हैं, अभी वेट करते हैं आईडी का, वेट करते हैं ऑर्डर का, कितनी देर में बसता है हमारे पे ऑर्डर। क्या हाल चाल, बस अभी क्या है मेरे पे एडिटिंग बची हुई यार, मैं वीडियो को एडिट करता हूँ यार फटाफट। कमेंट किसके आ रहे हैं यहाँ पे भाई, इतने सारे पैसे कमा लिए अब पार्टी कब दे रहे हो। थैंक्स। तो लो गाइस पहला ऑर्डर बच गया भाई मेरा आज का, ये लो इसे, पिक क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा परसों की बात है ना, परसों तो ठोका था ये लो भाई, रेडी भी हो रखा है, रेस कोर्स लेके जाना है सिद्धार्थ अपार्टमेंट। चलो पहला ही ऑर्डर अपार्टमेंट का, हेलमेट उतार के फेंको पहले ऑर्डर पे एंकर की। गणेश मित्रा दी बिल्लो, सर दारी चेक कर मित्रा दी बिल्लो। हाँ ऑर्डर पे ऑर्डर, और बैंक ऑर्डर भी बज रहे थे और नाच भी रहे थे यहाँ पे पर। तो भाई पिकअप कर देते हैं इसको, चलते हैं फटाफट। तो लो जी गाइस पहले ऑर्डर की लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, यही तो है सिद्धार्थ अपार्टमेंट, मैं भी भूल जाता हूँ यार कभी कभी। ओहो यही, इसी के अंदर जाना है हमें, इस अपार्टमेंट के अंदर। अभी हेलमेट उतारते हैं ना, गुस्सा आता है मेरे को, तो इतना भारी हेलमेट, फिर रुमाल बांध दो सर में, वो बांध दो पता नहीं, लफड़ा है रे बहुत। चलो जी कुड़ी कहती जी नहीं लगता, जी नहीं लगता, मस्त बनता बना तो मस्त रखा है भयंकर सिद्धार्थ। भैया ब्लिंकिट से ऑर्डर है, विशाल 310 में जाना है, 310 में ब्लिंकिट फोन नंबर सब हेलमेट उतार देते हैं आगे वाली बिल्डिंग में। ठीक ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, लो जी गाइस डिलीवर मार दे मेरे ऑर्डर को, बाकी अभी हेलमेट पहन के फोन से ही मार देंगे डिलीवर। क्या भाई यहाँ से दिखेगी, यहाँ से नहीं दिख रही ना पीक, और ये देख लो खतरनाक बर्फ पड़ रही है।
चलो जी गाइस, हेलमेट लगा लिया है मैंने। बाकी अभी दिखाता हूँ आपको कितने रुपए मिले इसके मेरे को। ये चेक करो। जान दे हो गए 9:45 होए होए नी तू सोनी बाली करता दिल मिलन 54 रुपए। अपार्टमेंट में टाइम थोड़ा सा लग जाता है, बस इतना है। चलो चलते हैं स्टोर पे फिर से। 200 का तो लो गाइस, सेकंड ऑर्डर भी बच गया मेरा। पिकअप तो मैंने कर लिया, ऐसे भी छोड़ के आते हैं, छोटा सा ही है 600 मीटर का। बाकी यार आज ना मेरे पेट में दर्द सा हो रहा, मौसम चेंज हुआ ना एकदम से, ठंड हुई। चलो जी 600 मीटर गुरुद्वारा रोड नियर प्रकाश जनरल स्टोर। लो जी गाइस पहुंच गए भाई इस ऑर्डर की लोकेशन पे। भी छोटा सा ऑर्डर था यार, बिल्कुल कॉल कर लेता हूँ। ओके भैया, थैंक यू। तो लो जी गाइस इस ऑर्डर को भी मार देता हूँ डिलीवर। 10:57 हो गए हैं। कितने रुपए मिलते हैं इसके मेरे को? 20-22 रुपए। चलो 76 का हो गया काम। चलते हैं फिर से स्टोर पे, गाना लगाते हैं पहले। तो यार मेरी ना आज वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाएगी मैं एंकर की, क्योंकि ऑर्डर भी धड़ाधड़ बज रहे हैं ना फटाफट। कितने मस्त मस्त कुत्ते इनके पास। कहंदे ने ठीक है भैया, ओके थैंक यू। 2 hours later। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? आज मैंने काम ही नहीं किया यार, अरे काम ही नहीं किया है देखो। तो गाइस शाम के 4:30 बज गए हैं। बाकी मैं कर थोड़ा घर चला गया था, गिग भी मेरी इनकम्प्लीट लग रही है। देखो यही हो रखा मेरा काम, 250 रुपये 4 घंटे में 250 रुपये। कोई बात नहीं, 10 बजे तक करना, 700 वाला तला तोड़ना, सीधे घर जाना 10 बजे तक। यार देखते हैं, 700 वाला टूट जाएगा ना 10 बजे तक, होगा भी नहीं उम्मीद रखना। हेलो भैया, आपका ऑर्डर था, मैं गेट पे आ गया हूँ आपके। तो गाइस आजकल ना ब्लिंकिट वालों ने ये नया बैग निकाला है, देखो छोटा सा बैग है ये, सही है, छोटा मोटा सामान इसमें आ जाता है वैसे ना, पर इसमें कोल्ड आइटम ज़्यादा रखते हैं, दूध वगैरह ये चीज़ें रखते हैं बस इसमें ये लोग। तो 2-3 दिन ही हुए इसे निकाले हुए। बस अभी क्या है ना, देखो इसका भी सिस्टम मैं समझाऊँगा तुमको, ब्लिंकिट के नए बैग का सिस्टम। जैसे मैं ऑर्डर डिलीवर मारूँगा ना, फिर मेरे पे ऑर्डर बच जाएगा। ओके थैंक यू। देखो गाइस अभी क्या है ना, मैं यहाँ से इसको डिलीवर मारूंगा ना, तो मेरे पे एक ऑर्डर बजेगा तुरंत। ये देखो दिख रहा नीचे न्यू ऑर्डर, इस पर क्लिक करके ये बज गया। देखो अभी क्या है ना, इसका जब ये बजेगा ना तो घबराने वाली बात नहीं है। ये जो है हमें स्टोर की लोकेशन दिखाएगा, देखो जितनी दूर से मैं आया हूँ। जब मैं स्टोर पहुँच जाऊँगा ना, देखो जैसे कि मैं यहाँ से स्टोर पहुँच गया हूँ, तो बैग को स्कैन मार के वहाँ पे डिलीवर कर देना है, बस ये सिस्टम है वहाँ पे। चलो गाइस चलते हैं स्टोर पे फिर से। बाकी ये सिस्टम वैसे ठीक भी लगा मेरे को, और थोड़ी भसड़ भी है यार ये बेफालतू की। अभी पता है क्या मेरे को ये बुरा सिस्टम क्यों लग रहा है? मेरे को ये बुरा इसलिए लग रहा है कि जैसे रात को घर जाने के टाइम पे मेरा ऑर्डर घर की साइड का पड़ गया, और जब ये मेरे को बैग दे देंगे, वैसे हर ऑर्डर पे तो नहीं देते ये बैग, जैसे दूध वगैरह आता है ना तभी देते हैं ये वाला बैग आपके हाथ में। तो ये बैग को जब तुम स्टोर पे पहुँचोगे ना, स्कैन मारना पड़ता है, वापस से ले जाना पड़ेगा आपके पास, आपको स्टोर पर।
अभी मैं वही सोच रहा हूँ, जैसे अगर मेरा रात को घर की साइड का ऑर्डर बच गया और ये बैग दे दिया इन्होंने मेरे को, तो ये तो वापस ले जाना पड़ेगा मेरे को स्टोर पे। ये ख़राब है यार, अभी मेरे को सीधा ऑर्डर छोड़ के घर ही निकलना हो तो फिर वापस जाओ स्टोर पे बैग देने, ये सिस्टम गलत है भाई। क्या ही कर सकते हैं भाई, पर मैं तो भाई करूँगा कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करूँगा इसका भाई, बैग बुक तो यही छोड़ के जाऊँगा फिर मैं। तो लो जी गाइस, पहुँच गए स्टोर पे इस बैग को देने। अब देखो कहाँ गया अपना, ये था ना, रीच किया हमने लोकेशन पे, बाकी ये हमारा हमने स्कैन, अभी हो गए हम यहाँ से फ्री, रिटर्न स्टोर आइटम। ठीक है गार्ड साहब, बैग, अरे रोहित सर। तो लो गाइस, अंधेरा भी हो गया और ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया आज, बर्फ़ पिघल रही है ना वो, और 6 भी बज गए हैं। मैं सोच रहा हूँ इस ऑर्डर को छोड़ के ना मैं सीधा घर ही निकल जाऊँगा यार, बस अगर वो की बार बैग ना देना मेरे को तो मैं सीधा घर ही निकल जाऊँगा। और सर जी क्या हालचाल, ठंडा लग रहा है और कुछ नहीं, मन भी नहीं कर रहा काम करने का। अब हो गया, अब 3 हो गया भाई, और आ गया ना, इसे मिला के शायद हो जाएगा 400 रुपये का, देखते हैं। घर चले जाओ, घर ठंडा हो गया। एक मिनट, अरे ये है क्या तुम जवाहर भाई, देखते हैं। देखो यार 6 बज रहे अभी कम से कम। लो जी गाइस, ऑर्डर तो मैंने पिक कर दिया है, बाकी देखते हैं क्या मन बनता है, वापिस आऊँगा नहीं आऊँगा देखते हैं पता। तो लो जी गाइस, पहुँच गए भाई लोकेशन पे, और मैंने भाई ये डिसाइड किया है कि इस ऑर्डर के बाद मैं सीधा घर ही निकल जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, यहाँ से मुश्किल से 700-800 मीटर या 1 किलोमीटर होगा बस। कॉल कर लेते हैं इनको, अरे भैंस की टांग, कैश इतना ख़तरनाक कैश आ गया, देखो कैश भी आ गया, कैश ने भी बोल दिया, फिलिंग किट ने भी बोल दिया कि बेटा घर जाओ, अब तुम्हारे बस का नहीं है काम करना। तो दूर से 1200 है, 100 रुपये मैं आपको फोन में दे रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो गाइस ऑर्डर डिलीवर मार दिया मैंने, इसके देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं मेरे को। 55 रुपये मिले 3.9 किलोमीटर के, आईडी ब्लॉक हो गई है। देखो 7 घंटे हो गए, 7 घंटे में 400 का काम भी नहीं हुआ, तो आज लगा सकते हो। थोड़ा सा डाउन है काम, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डाउन है, और भाई मतलब 390 रुपये का काम हुआ ना मेरा, 396-390 ऐसी था कुछ, वही 400 रुपये का काम मान लो 7 घंटे में, जिसमें से भाई 100 रुपये का मेरा तेल लग गया आज, क्योंकि यार थोड़ा सा माइलेज कम हो गया इसका। इसका मैं माइलेज भी अभी दिखा दूंगा घर जाते हुए ना मैकेनिक के पास। और भाई मैं सीधा यहाँ से घर ही जा रहा हूँ, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा मेरा काम करने का, और काम भी नहीं है। अगर मैं 700 वाला तोड़ने बैठूँगा तो रात के 10:30 बज जाएंगे, तो भाई तो बेवकूफ़ी है यार, वो ठंड ज़्यादा हो रही है ना, तो जिस दिन काम नहीं होता ना भाई उस दिन तो काम कम ही करो तो बढ़िया है। क्या हाल चाल, बढ़िया। तो भाई कितना गंदा फंस गया मैं यहाँ पे, घर जा रहा था रिस्पना पुल पे, इतना गंदा जाम हो गया। ये देखो मैडम को देख रहे हो, नहीं निकल पाओगे मैम, अरे कहाँ जा रही दीदी। तो ठीक है गाइस, आज का काम हमारा इतना ही था, बाकी हमारी वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना। तो कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो आज थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा मैं, जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सैटरडे संडे को थोड़ा सा काम मैं ज़्यादा कर पाऊँ, सैटरडे संडे को थोड़ा सा काम हो जाता है ठीक ठाक अगर टाइम से आओ और ज़्यादा टाइम दो तो, वही है कि आज काम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर ज़्यादा टाइम देके ना, कल देंगे और परसों दे देंगे ज़्यादा टाइम। तो ठीक है गाइस, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।